लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है। सदर लोकसभा सीट को मुख्यमंत्री की हार्ड सीट कही जाती है। लोकसभा उपचुनाव में हार की वजह से यह सीट भाजपा के लिए प्रतिष्ठा बनी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन शुक्ला को प्रत्याशी बनाया, तरह तरह की चर्चाएं होने लगीं। गुरुवार को रिजल्ट आते ही रवि किशन शुक्ला ने यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ भोजपुरी स्टार नहीं, राजनीतिक स्टार भी हैं। गठबंधन प्रत्याशी रामभुआल निषाद को 3 लाख से ऊपर के मतों से हराकर सांसद बने रवि किशन शुक्ला ने गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कहा कि यह जीत ऐतिहासिक है। महाराज जीत के कर्म, मोदी जी के कर्म की जीत है। यह यहीं आवास लेंगे, यहीं रहेंगे, सेवा करेंगे, शूटिंग करेंगे, स्टूडियो लगाएंगे, रोजगार देंगे, कहीं भागेंगे नहीं। फ्रांस तो नहीं जाऊँगा, जाऊँगा भी तो 2 घंटे के जहाज से लौट आऊँगा। चला गया आपका फेरते कर लेंगे, हाँ ठीक ठाक कर लेंगे। बोले गुरु गुरु महाराज की जय, आदित्य महाराज की जय, राज मोदी योगी आदित्य नाथ जिंदाबाद जिंदाबाद, राज मोदी रवि किशन जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी आदित्य नाथ रवि किशन जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐतिहासिक है ये, पूज्य महाराज जी के पूरे कर्म, मोदी जी के कर्म, उसकी जीत है। यहीं रहेंगे, यहीं आवास लेंगे, यहीं सेवा करेंगे, शूटिंग भी करेंगे, स्टूडियो लगाएंगे, रोजगार देंगे। महाराज जी ने जो बोला वो वादों से पूरा, कहीं भागेंगे नहीं। फ्रांस तो नहीं जाऊंगा, जाऊंगा भी तो 2 घंटे के जहाज से लौट आऊंगा।